आज तक आप सभी ने टीवी पर ऐसे कई सितारे देखे होंगे जो हमें खाकी वर्दी में नजर आए हैं, जिनमें वो बेहद सूटेबल भी लगे हैं। तभी तो दर्शकों ने उन सितारों को वर्दी में काफी पसंद किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाकी वर्दी पहने हुए नजर आए उन सभी सितारों में से कौन सा सितारा सबसे ज्यादा वर्दी में जचता है और अच्छा लगता है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको उन सभी सितारों से मिलवाएंगे जो हमें खाकी वर्दी में नजर आए हैं और ये बताएंगे कि उन सभी सितारों में से किस सितारे पर खाकी वर्दी ज्यादा जचती है। तो चलिए जानते हैं उन सितारों के बारे में। नंबर 10 पर है आमिर अली। FIR सीरियल में बजरंग पांडे का किरदार निभाने वाले अभिनेता आमिर अली सीरियल में हमें वर्दी पहने हुए नजर आए थे, जिसमें ये काफी गोरे चिट्टे और हैंडसम लग रहे थे, जिन्हें दर्शकों ने वर्दी में काफी पसंद किया था। तभी तो इनका ये किरदार काफी फेमस हुआ था। नंबर 9 पर है कविता कौशिक। FIR सीरियल में चंद्रमुखी चौटाला का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कविता कौशिक इस सीरियल में हमें एक हरियाणवी इंस्पेक्टर बनी हुई दिखाई दी थी और अपने कड़क अंदाज की वजह से इन्होंने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। साथ ही इन्हें वर्दी में काफी पसंद भी किया गया था। तभी तो इनका ये शो काफी पॉपुलर हुआ था। नंबर 8 पर है युक्ति कपूर। मैडम सर सीरियल में करिश्मा सिंह का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री युक्ति कपूर सीरियल में हमें वर्दी पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं, जिन पर वर्दी काफी सूट भी कर रही है। तभी तो दर्शक इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। नंबर 7 पर है विवेक दहिया। ये है मोहब्बते सीरियल में ACP अभिषेक सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक दाहिया को इस सीरियल में काफी ज्यादा पसंद किया गया था और इससे भी ज्यादा इन्हें इस पुलिस यूनिफॉर्म में पसंद किया गया था, क्योंकि इन पर वर्दी बहुत सूट कर रही थी और ये भी उस किरदार को काफी अच्छे से निभा रहे थे। नंबर 6 पर है मानिनी मिश्रा। स्टार भारत के सावधान इंडिया FIR सीरियल में दुर्गा कुलकर्णी का किरदार निभाती हुई नजर आई अभिनेत्री मानिनी मिश्रा ने अपने इस किरदार को काफी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था, जिसमें ये बिल्कुल सीरियस इंस्पेक्टर की तरह ही नजर आ रही थी और लग रहा था कि ये रियल में कॉप हो। नंबर 5 पर है भाविका शर्मा। मैडम सर सीरियल में कांस्टेबल संतोष शर्मा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री भाविका शर्मा को दर्शक उनके इस क्यूट कांस्टेबल वाले लुक में काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्दी में बहुत ही ज्यादा क्यूट नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर दर्शक काफी इंजॉय करते हैं। यही वजह है कि इन्हें वर्दी में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नंबर 4 पर है गुलकी जोशी। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री गुलकी जोशी मैडम सर सीरियल में हसीना मलिक का किरदार निभा रही हैं, जिन्हें पुलिस वाली वर्दी में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उस किरदार में ये काफी अच्छी नजर आ रही हैं और वर्दी में इनका लुक भी काफी अच्छा लग रहा है, जो दर्शकों के दिलों को खूब लुभा रहा है। तभी तो ये खाकी वर्दी में काफी पॉपुलैरिटी बटोर रही है। नंबर 3 पर है श्रुति शर्मा। गठबंधन सीरियल में IPS धनक पारिक का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रुति शर्मा को इनके किरदार में काफी पसंद किया गया था, क्योंकि ये इस सीरियल में एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाती हुई नजर आई थी, जिन पर वर्दी और किरदार दोनों ही सूट कर रहे थे और ये वर्दी में काफी जच भी रही थी। नंबर 2 पर है नील भट्ट। इन दिनों गुम है किसी के प्यार में ACP विराट का किरदार निभाने वाले अभिनेता नील भट्ट को दर्शक वर्दी में और इस किरदार में काफी पसंद कर रहे हैं, जिन पर वर्दी बहुत सूट कर रही है। इससे पहले भी ये दिया और बाती हम सीरियल में ACP जाकिर सिद्दीकी का किरदार निभाते हुए नजर आ चुके हैं, जिसमें इन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया था और अपने इस वर्दी वाले रोल से इन्होंने खूब लाइमलाइट भी बटोरी थी, क्योंकि ये हमेशा से ही वर्दी में काफी जचते हैं। नंबर 1 पर है दीपिका सिंह। अब बात करते हैं उस सितारे के बारे में जिस पर वर्दी सबसे ज्यादा जचती है। तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि दिया और बाती हम सीरियल में IPS संध्या राठी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका सिंह हैं, जिन्होंने इस किरदार में एक जिम्मेदार और डेडिकेटेड IPS ऑफिसर का किरदार निभाया था, जिन पर वर्दी बहुत ही ज्यादा सूट कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये सचमुच में एक IPS ऑफिसर हों। तभी तो दर्शक इन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे और यही सबसे ज्यादा वर्दी में जचती हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी सितारों में से कौन वर्दी में सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।